हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी बेशक बेल पर बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। हम आपको बता दें कि पर्ल के रिहा होने के बाद अब जल्द हो सकती है बच्ची की मां की गिरफ्तारी। क्या है पूरी खबर और क्या हो रहा है इस केस में, चलिए हम आपको टेली टॉकीज पर बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी को एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के केस में पॉस्को एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया। 11 दिन के बाद पर्ल को बेल मिली, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि बच्ची की मां को भी जल्द अरेस्ट किया जा सकता है। अभी बच्ची की मां को इंट्रिम बेल मिली है, यानी कि 2 जुलाई तक वो बाहर रह सकती हैं। पर अगर तब तक उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को नहीं मिटाया तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि बच्ची की मां के ऊपर भी पॉस्को एक्ट के तहत ही केस हुआ है और ये केस बच्ची के पिता ने करा है। जी हाँ, बच्ची की मां पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पर्ल वी पुरी के केस को दबाने की कोशिश की है। वो सच्चाई जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस सच्चाई को नहीं बताया। उन्होंने पर्ल वी पुरी को बचाने के लिए ये पूरे का पूरा खेल रचा। ऐसे में अगर 2 जुलाई तक बच्ची की मां अगर अपने फेवर में प्रूफ्स को नहीं दिखा पाई तो उसका अरेस्ट होना तय है। हम आपको ये भी बता दें कि बच्ची की मां ये सब जानने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी है और बच्ची की मां ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली है जिसमें उसने कहा है कि उसको ऊपर वाले पर और जुडिशरी पर पूरे का पूरा भरोसा है। और उसने साथ ही साथ अपने वेलविशर्स को थैंक यू भी बोला है कि इस बुरे समय में वो उसके साथ खड़े रहे। हम आपको बता दें कि बच्ची की मां के ऊपर आईपीसी की धारा 376, पॉस्को एक्ट 4, 8, 12, 19 और 21 लगाया गया है। वेल दोस्तों, क्या कहेंगे आप, कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।